नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा की सियासी किस्सों की सीरीज में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा की एक कहानी के बारे में। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, कई बार जेल गए, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से राज्यपाल रहे, राज्यसभा सदस्य बने तो सांसद भी चुने गए। हरियाणा गठन के बाद 1 नवंबर 1966 को मुख्यमंत्री बने, महज 4 महीने के लिए इस पद पर रहे। हरियाणा की सियासत में 3 लाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के साथ काम किया। एक समय ऐसा भी आया जब पंडित भगवत दयाल पूरी तरह से टूट चुके थे, सियासी तौर पर वे बिखर गए थे। उस समय उन्होंने चौधरी देवीलाल की शरण ली। ताऊ की शरण में आते हुए भगवत दयाल शर्मा ने कहा, मैंने भजन भी गा लिया और बंसी भी बजा ली, अब देवी की पूजा करूंगा। दरअसल भगवत दयाल शर्मा हरियाणा गठन के पहले संयुक्त पंजाब में सियासत के बड़े किरदार थे। 26 जनवरी 1918 को झज्जर के बेरी में उनका जन्म हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। 1941 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, कई बार जेल गए। 1959 से 1961 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस पद पर 24 मार्च 1967 तक रहे। राव बीरेंद्र सिंह और देवीलाल ने उनकी सरकार गिरा दी थी। भगवत दयाल शर्मा 1968 से 1974 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1970 में उड़ीसा के राज्यपाल बने, बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उनके सियासी जीवन में एक वक्त ऐसा आया जब भगवत दयाल शर्मा बिल्कुल टूट चुके थे, सियासत में हाशिए पर चले गए थे। यह दौर था साल 1984 के आसपास का। इसी दौर में देवीलाल सियासी वापसी को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भजनलाल मुख्यमंत्री थे। राजीव लोंगेवाल समझौते को लेकर हरियाणा की सियासत में उबाल आया हुआ था। साल 1985 में देवीलाल सहित लोकदल के 22 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। स्पीकर ने देवीलाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस में भी कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए। देवीलाल चूंकि साल 1982 के विधानसभा चुनाव में महम से विधायक चुने गए थे, सितंबर 1985 में महम सीट पर हुए उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद तो देवीलाल एक मास लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1985 में दिल्ली में एक रैली की। इसके बाद 1986 की शुरुआत में राज्य भर में रास्ता रोको आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को अभूतपूर्व कामयाबी मिली। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा भी देवीलाल के पाले में आ गए। तब भगवत दयाल शर्मा ने एक बहुत ही भावनात्मक वक्तव्य भी दिया। देवीलाल की ओर से आयोजित एक रैली में भगवत दयाल शर्मा ने मंच से कहा कि मैंने भजन भी गा लिया और बंसी भी बजा ली, अब मैं देवी की पूजा करूंगा। तो ऐसे में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा का आखिरी वक्त भी चौधरी देवीलाल के साथ ही बीता।